हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बायोस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि बायोस क्या कार्य करता है, बायोस कैसे कॉन्फ़िगर होता है, बायोस की सेटिंग कैसे की जाती है। जैसा कि आपके सामने एक स्क्रीन दिखाई दे रही है, उसके टॉप पे आप देख सकते हो बायोस सेटअप यूटिलिटी। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि बायोस में आया कैसे जाता है और बायोस होता क्या है। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि सबसे पहले हमारे कंप्यूटर के फ्रंट पे या स्टार्टिंग में एक पोस्ट जनरेट होता है। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब जब हमारा कंप्यूटर एग्जीक्यूट होता है तो वो ये चेक करता है कि उसका मदरबोर्ड, उसके हार्ड डिस्क, उसकी रैम प्रॉपर एग्जीक्यूट है या नहीं है, काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये सारे एग्जीक्यूशन कंप्यूटर अपनी पोस्ट में चेक करता है। देन उसके बाद कंप्यूटर की प्रोसेस बूट होना। बूट मतलब कि कंप्यूटर अब किससे बूट होगा, हार्ड डिस्क से बूट होगा या पेन ड्राइव से बूट हो गया या एक्स वाई जेड कंप्यूटर की अदर सेटिंग, वो सारी हमें बायोस के थ्रू करना होती है। बायोस को कई बुकों में या कई जगह इंजीनियर्स बायोस को एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। मतलब जैसा कि जब हमने रैम और रोम पढ़ा था तो रैम क्या करती है, टेम्परेरी डाटा स्टोर करती है, बायोस हमारे रोम में स्टोर रहता है। बायोस हमारे रोम में स्टोर होता है जिससे कि हम उसको बिना हार्ड डिस्क के या डायरेक्ट हम मदरबोर्ड से भी बायोस सेटिंग में इंटर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि बायोस में इंटर होने की प्रोसेस क्या क्या है। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमें तुरंत कंप्यूटर का डिलीट बटन, आप देख सकते हो कीबोर्ड का डिलीट बटन यहाँ पर कंटिन्यूसली हम प्रेस करते हैं। जब हम डिलीट बटन कंटिन्यूसली प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हो कि आप सीधे बायोस में इंटर हो जाओगे। बट अगर मैं डिलीट बटन से प्रेस इंटर नहीं हो पा रहा हूँ तो उसके लिए अलग की भी होती है। हर बायोस की अलग अलग कीज होती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अमेरिकन बायोस है जिसे AM बायोस कहा जाता है। इसके अलावा भी अवार्डेड बायोस होता है, काफ़ी IBM बायोस होता है, काफी अलग अलग कंपनीज के बायोस होते हैं, जैसे कि अलग अलग कंपनी के मदरबोर्ड्स के ऊपर। हाँ, तो बायोस में इंटर होने के लिए सबसे जो बाय डिफॉल्ट की यूज होती है वो है डिलीट बटन, वो है डिलीट या डेल बटन। इसके अलावा आप बायोस लैपटॉप के बायोस के अंदर F1, F2, F11, F12 या फंक्शन के साथ F4, सोनी के लैपटॉप्स में, अगर HP का लैपटॉप से, तो आप स्केप बटन प्रेस करके बायोस सेटिंग में F9 या F10 की मदद से इंटर कर सकते हैं। अब जब हम बायोस में इंटर होते हैं तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर आपको टॉप पे दिखाई देगा मैन। यहाँ पर मेरा मैन जो मेरे बायोस का वर्जन है या मेरे जो इन्फॉर्मेशन है डेस्कटॉप की, वो सारी इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ। अगर आपसे कोई कहे कि यार मुझे मेरे कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन पता करना है या मेरा कंप्यूटर क्या क्या इसमें कॉन्फ़िगरेशन है, रैम है, हार्ड डिस्क है, तो मैं कैसे पता करूँगा, मैं बायोस की मदद से पता कर सकता हूँ। जैसे मैं बायोस में इंटर होऊंगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा बायोस वर्जन, बायोस वर्जन N68। बायोस अपग्रेड भी होते हैं तो आप नए अपडेट के साथ, नए डेट के साथ बायोस को अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट कैसे होते हैं वह हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ सेकंड पे आप देख सकते हो प्रोसेसर टाइप, आपको यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रोसेसर टाइप। प्रोसेसर टाइप में यहाँ पर हम देख सकते हैं AMD एथलॉन, मतलब जिस डेस्कटॉप के हम बायोस को चेक कर रहे हैं उसके अंदर AMD नामक प्रोसेसर कनेक्टेड है। प्रोसेसर इंटेल AMD, ये मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। नाउ प्रोसेसर स्पीड, प्रोसेसर स्पीड 3400 MHz की है। माइक्रो कोड अपडेट, इसके अंदर हम माइक्रो कोड अपडेट देख सकते हैं। L1 और L2 कैश मेमोरी देख सकते हैं जो हमारे टेम्परेरी प्रोसेसर के डाटा को क्यूब में स्टोर करके रखती है। टोटल मेमोरी आप देख सकते हैं यहाँ बॉटम पे, टोटल मेमोरी 1024 MB। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 1 GB रैम लगी, सिंगल चैनल मोड मेमोरी, मतलब यहाँ पर केवल एक सिंगल चैनल मोड पे आप देख सकते हो यहाँ पर DDR3 A1 और DDR3 B1, मतलब यहाँ पर हमारे डेस्कटॉप के अंदर दो सॉकेट है। दो सॉकेट, जैसा कि मैंने आपको मदरबोर्ड में पढ़ाया था कि रैम के कितने स्लॉट होते हैं जिसमें हम रैम कनेक्ट कर सकते हैं, तो अभी सिर्फ इसके एक सॉकेट पे ही 1 GB रैम कनेक्टेड है। कौन सी रैम कनेक्टेड है, DDR3 रैम कनेक्टेड है। मैक एड्रेस क्या है हमारे कंप्यूटर का, आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस NIC कार्ड का, जो
हाँ, हमने NIC कार्ड पढ़ी थी पिछले वीडियो में, उसका जो फिजिकल एड्रेस होता है वो भी यहाँ पर आपको बायोस में दिखाई दे सकता है। बायोस को ऑपरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप ऑप्शंस दे सकते हैं। सिलेक्ट द स्क्रीन, एरो बटन यहाँ पर शो कर रहा है, लेफ्ट राइट एंड द लेफ्ट एरो बटन, अप एंड द डाउन एरो बटन। अगर मुझे अप डाउन करना है तो अप डाउन एरो बटन का यूज़ करूँगा, लेफ्ट राइट जाना है मुझे तो लेफ्ट राइट बटन का यूज़ करूँगा। कोई फील्ड चेंज करना है तो प्लस माइनस का यूज़ करूँगा, टैब से फील्ड को सिलेक्ट करूँगा। जैसा कि हम यहाँ पर सिस्टम टाइम को चेंज करेंगे, अभी फिलहाल टाइम हो रहा है, हम अभी के अकॉर्डिंग टाइम जो सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ सेट करते हैं 05, ठीक है। और टैब प्रेस करके मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर। हाँ जी, इंटर प्रेस करा मैंने तब आगे हुआ। कितना मिनट हो रहा है, अगर मिनट की बात करें कि हाँ जी यहाँ पर अभी 23 मिनट्स एंड 0 सेकेंड हो रहा है। नाउ इंटर, देन अब मैं एरो की के डाउन को प्रेस करके यहाँ पर सिस्टम डेट पर आता हूँ, यहाँ पर डेट सेट करता हूँ। जैसा कि आप डेट देख सकते हो, 9 मंथ 17 डेट तारीख देन 2012। अभी मंथ फॉर एग्जांपल हम दे देते 4 एंड इंटर। अभी हम डेट दे देते यहाँ पर 23 देन इंटर और 2017। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने डेट और टाइम को सेट कर दिया। अब यहाँ लास्ट कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा F10 to 7 exit, क्योंकि बायोस भी एक तरीके की फाइल होती है, यहाँ पर भी फाइल सिस्टम होता है। जब भी कोई हम चेंजेस करते हैं तो उसको सेव करना अति आवश्यक होता है। तो जब भी हम कोई चेंजेस करते हैं, चेंज करके एग्जिट करते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो हमें फाइल को सेव करना बहुत जरूरी होता है। जब हम फाइल को सेव करना चाहे तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप कीबोर्ड के बटन से F10 प्रेस कर सकते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा, सेव कॉन्फ़िगरेशन चेंज एंड एग्जिट सेटअप। कॉन्फ़िगरेशन को सेव करें और सेटअप से एग्जिट चले जाए, या फिर आप यहाँ पर एग्जिट ऑप्शंस पे जाकर आप देख सकते हैं। जैसा कि एग्जिट ऑप्शंस पे जाकर आप यहाँ पर सेव चेंजेस एंड एग्जिट, सेव चेंजेस एंड एग्जिट पर भी आप क्लिक करके सेम ऑप्शंस ला सकते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी सबसे पहले मेन विंडो के बारे में डिस्कस करा, अब हम उसके मेन मेन बायोस के मेन मेन फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे बायोस में तो काफी कुछ हम देख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, बट जो हमारे डेली यूज में सबसे ज्यादा उपयोग में यूज होती है, हार्डवेयर के अंदर जो मेन चीजें पढ़ाई जाती है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम अभी एडवांस ऑप्शंस पे आए हैं। एडवांस ऑप्शन पे आप देख सकते हैं सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर हम सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। बायोस में जब भी किसी विंडो में हम इंटर करते हैं, उससे बैक जाने के लिए देखिए आप यहाँ पर लिखा है स्किप फॉर द एग्जिट, हम बैक जाने के लिए यहाँ पर स्किप बटन भी यूज कर सकते हैं। चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन ऑनबोर्ड लैन, देखिए जब हम चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन पे इंटर करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑनबोर्ड लैन। ऑनबोर्ड लैन का अक्सर यूज आपने नेटवर्किंग के अंदर बूट लैन बूट से नाम से सुना होगा, या जिसने नहीं पढ़ा वो आगे नेटवर्किंग लैन बूट के टॉपिक में देख सकता है। तो अक्सर लैन बूट के अंदर यहाँ पर इस ऑप्शंस को इनेबल कर दिया जाता है। अगर हमें लैन बूट नहीं चाहते हैं तो आप इंटर करके यहाँ पर इस ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति सर्वर के थ्रू या लैन के थ्रू इस सिस्टम को बूट नहीं करवा सकता है, जैसा कि अभी हम इसको इनेबल कर देते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन ऑन बोर्ड एच डी ऑडियो। ऑन बोर्ड एच डी ऑडियो का मतलब है, ये होता है कि हमारे मदरबोर्ड में जो साउंड कार्ड या साउंड पोर्ट लगा है, जैसे कि मैंने बैक पोर्ट में आपको बताया साउंड पोर्ट, अगर मैं यहाँ पर इसको डिसेबल कर दूँ तो कोई भी व्यक्ति हमारे डेस्कटॉप के अंदर साउंड से स्पीकर से कुछ भी आउटपुट नहीं ले पाएगा। कहने का मतलब यह है कि अक्सर जब आपकी हार्डवेयर अच्छी प्रोसेस करने लग जाते हैं, जब आप मेंटेनेंस लेते हैं, कॉलेज के मेंटेनेंस लेते हैं, तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्पीकर एयरफोन लगा के साउंड सुनना स्टार्ट कर देते हैं, या म्यूजिक को सुनना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम यही बायोस में उस म्यूजिक को क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। मतलब अब कोई भी व्यक्ति इस साउंड कार्ड के ऊपर, इस मदरबोर्ड या इस कंप्यूटर के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का साउंड नहीं सुन पाएगा। पहला ऑप्शन तो ये था, अब हम इसको इनेबल करते हैं। इनेबल के अंदर आप यहाँ सेकंड ऑप्शन देख सकते हो, फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल का मतलब होता है, आपने सीपीयू के आगे देखा होगा कि सीपीयू के आगे भी साउंड कार्ड लगाई जाती है, तो आप चाहो तो केवल उसको भी डिसेबल
कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ऑटो एंड डिसेबल, आप चाहे तो उसको भी डिसेबल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर डिसेबल हो चुका है। प्राइमरी ग्राफिक्स अडाप्टर जैसे कि पीसीआई एक्सप्रेस ऑन बोर्ड ग्राफिक्स, मैंने आपको बताया था जब मदरबोर्ड के बारे में हम डिस्क्रिप्शन कर रहे थे कि पीसीआई स्लॉट और एजीपी स्लॉट वगैरह क्या करते हैं, तो आप यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड भी अडाप्टर कनेक्ट कर सकते हो। हाँ जी, फ्रंट पैनल को भी हम ऑटो कर देते हैं। नाउ अब हमें यहाँ से बैक जाते हैं, बैक जाने के लिए देन प्रेस स्केप। ACPI कॉन्फ़िगरेशन में कुछ खास नहीं है, इसमें पावर लॉस वगैरह ऑप्शंस होता है, हमें सिर्फ मेन मेन टॉपिक पे जाना है, ये रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अक्सर जब हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो देखा होगा यार हमारे कंप्यूटर में PS2 कीबोर्ड नहीं चल रहा है, या जब मेरा पूरा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है तो हमारा कीबोर्ड काम करना बंद कर देता है। अक्सर आपने ये प्रॉब्लम्स देखी होगी, वो इस वजह से होती है। देखिए आप यहाँ PS2 कीबोर्ड पावर ऑन, यहाँ पर क्या दे रखा है, डिसेबल, मतलब जब एक कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो इसका कीबोर्ड क्या हो जाएगा, PS2 डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि ये USB कीबोर्ड अभी ज्यादा यूज हो रहे थे, इसका इतना यूज नहीं होता है। स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में किस किस पोर्ट पे क्या क्या कनेक्टेड है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं ऑन बोर्ड IDE कंट्रोल IDE और SATA, मैं आपको बता चुका हूँ दो टाइप्स के हार्ड डिस्क लगाने के पोर्ट होते हैं, एक होता है IDE पोर्ट और एक होता है SATA पोर्ट। पहले के वक्त में IDE यूज हुआ करते थे, अभी के वक्त में SATA यूज होते हैं। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूँ तो इस कंप्यूटर पे एक भी IDE हार्ड डिस्क काम नहीं करेगी, अगर SATA को डिसेबल कर दूंगा तो SATA हार्ड डिस्क काम नहीं करेगी, मुझे दोनों ही इनेबल रखना है, क्या पता कौन सी हार्ड डिस्क कब यूज में आ जाए। अब देखिए आप यहाँ पर IDE का एक स्लॉट है जिसके अंदर दो ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि एक IDE केबल में हम दो हार्ड डिस्क एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके एक पॉइंट पे स्लेव पर यहाँ पर हार्ड डिस्क कनेक्टेड आपको दिखाई दे रही होगी हार्ड डिस्क, उसके अलावा ऊपर से डाउन तक आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, नॉट डिटेक्टेड कुछ नहीं है। लास्ट में आप देखिए SATA 4 मतलब SATA के ऊपर यहाँ पर आपको अटापी CD-ROM मतलब एक DVD राइटर कनेक्टेड दिखाई देगा, मतलब इस डेस्कटॉप से एक DVD राइटर भी कनेक्टेड है। अब मैं चाहता हूँ कि हार्ड डिस्क कितने कॉन्फ़िगरेशन की, हार्ड डिस्क की कंपनी का नाम क्या है, उन सब कुछ चेक करने के लिए आप एक बार हार्ड डिस्क पे आइए और एंटर कर दीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं डिवाइस क्या है, आपको हार्ड डिस्क वेंडर कौन सी कंपनी के हार्ड डिस्क है, सैमसंग कंपनी के हार्ड डिस्क है, एंड साइज कितनी देख सकते हैं यहाँ पर 20 GB हार्ड डिस्क हमने यहाँ पर कनेक्टेड कर रखी है। तो दोस्तों इस तरीके से हम हार्ड डिस्क को भी पता कर सकते हैं कि हमारे कॉन्फ़िगरेशन में किस कंपनी के हार्ड डिस्क है प्लस कितनी GB हार्ड डिस्क है। तो बायोस से ही आप पता कर सकते हैं, विंडोज डालने की कोई जरूरत नहीं है। अटापी CD-ROM आप देख सकते हैं यहाँ पर CD-ROM कनेक्टेड है, CD-ROM के बारे में भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा होगा कि मेरे कंप्यूटर के SATA और IDE पोर्ट में क्या क्या कनेक्टेड है। SATA पोर्ट में यहाँ पर पोर्ट नंबर 4 में DVD राइटर कनेक्टेड है और IDE के स्लेव सेक्शन के अंदर एक हार्ड डिस्क कनेक्टेड है। जब हम ट्रबल शूटिंग करते हैं या कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं या नया कंप्यूटर असेंबल करते हैं तो मुझे यहाँ आके चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है कि मेरी हार्ड डिस्क प्रॉपर कनेक्ट हुई या नहीं हुई। कई बार कनेक्शन सही नहीं लगाने की वजह से यहाँ पर हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं होती और हम परेशान होते रहते हैं कि विंडो क्यों नहीं डल रहा है, कंप्यूटर बूट क्यों नहीं हो रहा है। चलिए स्केप करते हैं यहाँ से। PCI कॉन्फ़िगरेशन इतना कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स USB कॉन्फ़िगरेशन पर जाते हैं। USB कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको साउंड के बारे में बताया कि आप आपके कंप्यूटर्स के साउंड्स को ब्लॉक कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, इसी तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स के डेस्कटॉप में भी स्टूडेंट कई बार क्या करते हैं, पेन ड्राइव्स लगाते हैं, या ऐसी फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर हम साउंड USB पोर्ट को बंद रखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे टॉप पे USB कंट्रोल, एंटर जब आप करेंगे तो यहाँ पर आप डिसेबल करोगे तो इस कंप्यूटर का इस हार्ड सिस्टम के सारे साउंड पोर्ट क्या हो जाएंगे, USB पोर्ट सारे बंद हो जाएंगे। कौन से पोर्ट बंद हो जाएंगे, USB। मैं चाहता हूँ कि केवल मेरे USB 2 पोर्ट काम करे या केवल 4 पोर्ट काम करे,
कीबोर्ड माउस काम करे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर कीबोर्ड माउस को भी मैं इनेबल कर सकता हूँ। माउस एंड कीबोर्ड भी आप यहाँ पर इनेबल सेक्शन कर सकते हैं। जब हम यूएसबी कीबोर्ड माउस परचेस करते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, और जब विंडो बूट कराते हैं या विंडो आ जाता है, तो अक्सर आपको देखने को मिला होगा कि यार हमारा कीबोर्ड नहीं चल रहा है, माउस नहीं चल रहा है, हम नया कीबोर्ड लाए, नया माउस लेकर आए। तो वजह यह होती है कि बायोस में उसकी सेटिंग ऑफ रहती है, तो आप इसको यहाँ से इनेबल भी कर सकते हैं। पर्टिकुलरली दो पोर्ट आपको बंद करना है, तो यहाँ पर आप केवल 2.0 के दो पोर्ट यूएसबी बंद कर सकते हैं। इस तरीके से हम यूएसबी के ऑप्शंस को यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, या सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अब देख सकते हैं हम किस पर आए हैं यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन के। दोस्तों अब हम थोड़ा सा सेशन को आगे लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर मॉनिटर, मॉनिटर का टेम्परेचर, हमारे जो कंप्यूटर की फैन स्पीड चल रही है उसका आरपीएम शो कर रहा है यहाँ पर, कितना टेम्परेचर चल रहा है। एक अपना बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर होता है फैन का, उसके अकॉर्डिंग फैन वर्क करता है। अगर मैं इसको कम या ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ तो हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट भी हो सकता है या परफॉर्मेंस बढ़ भी सकता है। बट जो बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर रहता है अकॉर्डिंग टू इंडिया, हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट पे ही सेट रहने देते हैं। बूट ऑप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्क्रीन बूट। बूट, सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि सर बूट क्या होता है या बूटिंग क्या होता है। अगर हम बूट के बारे में डिस्कस करें तो बूट, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, पावर बटन प्रेस करते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा अगर विंडोज 7 है तो विंडोज 7 का लोगो आता है, अगर विंडो एक्सपी था तो उस टाइम आपने देखा होगा विंडो एक्सपी की लाइन आपको एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई देगी, तो वो बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। स्टेप बाय स्टेप फाइल का एग्जीक्यूशन होना, विंडोज की फाइल का एग्जीक्यूशन होना, वो बूटिंग कहलाता है। बूटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपको आपके कंप्यूटर में पहले क्या बूट कराना है। बूट से मतलब ये है कि पहले अगर हम हार्ड डिस्क बूट कराएं तो आप यहाँ पर फर्स्ट बूट डिवाइस, जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें कि नियार हमारी क्लास का मॉनिटर है, सबसे आगे यही रहेगा, जो भी बात होगी इससे होगी, तो फर्स्ट बूट डिवाइस हार्ड डिस्क। जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले यहाँ पर हार्ड डिस्क से बूट होगा। अगर हार्ड डिस्क से बूट प्रॉपर नहीं होता है तो सेकंड वो सिलेक्ट कर लेगा किसको, सेकंड डिवाइस सीडी डीवीडी रोम को। हाँ जी, जब हमें हमारा कंप्यूटर फॉर्मेट करना होता है तो अक्सर हम फॉर्मेट सीडी डीवीडी से लाइसेंस जो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू आती है या फिर पेनड्राइव के थ्रू भी हम करते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट बूट ऑप्शन हमें सीडी डीवीडी या पेनड्राइव करना होती है। वो कैसे, फर्स्ट बूट को आपने सिलेक्ट किया, देन उसके बाद यहाँ पर आप इंटर करके सीडी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप यहाँ पर नीचे हार्ड डिस्क को भी चेक कर सकते हैं कितनी हार्ड डिस्क लगी है। मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा एक या दो मास्टर स्लेव हार्ड डिस्क लगी है तो उसमें भी आप अप डाउन करके सिलेक्शन कर सकते हैं। डीवीडी राइटर ज़्यादा लगे हैं तो आप उसमें भी अप डाउन करके सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप फाइनल डिसीजन दे सकते हैं कि हाँ हार्ड डिस्क सैमसंग की बूट होगी, हार्ड डिस्क सीगेट की बूट होगी, या कौन सी बूट होगी, डीवीडी राइटर कौन सा बूट होगा, सारे ऑप्शंस आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो सिक्योरिटी आती है। सिक्योरिटी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बायोस की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग करने के बाद आप भी अक्सर देखा होगा कि यार किसी को बायोस का यूएसबी ओपन करना है तो बायोस में तुरंत चले यार डिलीट तो प्रेस करना है। बट यहाँ पर आप इंजीनियर्स आपके बायोस को भी पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो जिसके थ्रू हर कोई बंदा आपके बायोस में इंटर ना हो, तो वो भी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं एग्जिट। एग्जिट में आप यहाँ देख सकते हैं सेव चेंजेस एंड एग्जिट, मतलब जो भी आपने चेंजेस करा उसको सेव करके एग्जिट हो जाए। डिस्कार्ड चेंजेस एंड एग्जिट, जो भी मैंने चेंज करा उसको इग्नोर करके, मतलब उसको रिजेक्ट करके आप बाहर हो जाओ। और थर्ड ऑप्शन पर आप देख सकते हो डिस्कार्ड चेंजेस, मतलब जो भी अभी हमने चेंजेस करा है उन सबको इग्नोर कर दो। लोड बायोस डिफॉल्ट, मतलब कई बार क्या होता है कि ऐसी कोई सेटिंग होती है या कोई हम ऐसी गड़बड़ी कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा सिस्टम बूट नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम आती है बायोस में, तो हम क्या कर सकते हो, सेटिंग को जैसे पहली थी, जैसे कंपनी के थ्रू सेटिंग थी, लोड बायोस डिफॉल्ट की मदद से हम उस सेटिंग को रिसेट कर सकते हैं।
पावर सेविंग सेट है, अगर मैंने कोई पावर में चेंजेस कर दिए हो, अप डाउन कर दिए हो, तो उसको भी मैं बाय डिफॉल्ट सेट कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शंस काफी अच्छे हैं, अगर आपने कोई चेंजेस कर दिया हो, गड़बड़ी कर दी हो, तो यहाँ आके तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको लोड डिफॉल्ट सेट कर सकते हो। जैसे कि अब मैं यहाँ पर एग्जिट हो रहा हूँ, आप टॉप पे देख सकते हो 7 एग्जिट इंटर। हाँ, सेव द कॉन्फिग्रेशन, जो आपने चेंजेस कराया वो कॉन्फिग्रेशन सेव करना है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंटर प्रेस कर सकते हैं। हाँ जी, इसके बाद अब हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा। अगर हार्ड डिस्क से बूट होना है तो कंप्यूटर हार्ड डिस्क से बूट होगा, अगर हमने डीवीडी राइटर दे रखा है तो हमारा सिस्टम डीवीडी राइटर से बूट होगा। चलिए देखते हैं, हमारा सिस्टम हार्ड डिस्क था तो हमारा सिस्टम हार्ड डिस्क से बूट होना चाहिए। हार्ड डिस्क का ऑप्शन आ गया, अब आप देख सकते हैं विंडोज 7 यहाँ पर बूट हो रहा है। तो ये प्रोसेस बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। हमारे बायोस ने सबसे पहले हार्ड डिस्क को क्या करा है, रीड करा है, उसको बूट स्टार्ट करा है। तो दोस्तों, इसके आगे का बायोस, एडवांस बायोस और दूसरे तरीके के भी बायोस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहे, और आप साथ ही साथ जो भी नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं रिगार्डिंग टू हार्डवेयर, आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.computerrepairing.com। आपको फर्स्ट टैब कंप्यूटर रिपेयरिंग के अवेलेबल होगी, और आप यहाँ पर क्लिक करके आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे हमने कंप्लीट कंप्यूटर हार्डवेयर के हिंदी नोट्स अवेलेबल करवा रखे हैं। अगर आप क्लिक करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट वन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल्स ऑफ हार्डवेयर कंप्लीट पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट हमने यहाँ पर हार्डवेयर के नोट्स अपलोड कर रखे हैं। और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नई अपडेट्स के साथ आप जुड़ सकते हैं।